फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो यहाँ पर मैं मॉइस्चराइजर से स्टार्ट कर रही हूँ अपना मेकअप। मॉइस्चराइजर आपके चेहरे के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और जॉय का मॉइस्चराइजर है, ऑल स्किन टाइप मॉइस्चराइजर है। ओनली 10 रुपीज़ में आपको कहीं भी मिल जाएगा ये किसी भी स्टोर पर। उसके बाद ही हम ब्लू हेवन का लिप बाम यूज़ कर रहे हैं, ये भी 10 रुपये में आपको किसी भी स्टोर पर मिल जाएगा। काफ़ी अच्छा है ये लिप बाम। इसके बाद ये है सोनेगर से मैंने परचेज किया है प्राइमर, बट आप ये देख सकते हो जेल पेस्ट है, इसमें कोई स्मेल भी नहीं है और खाली ये पानी टाइप का है। जो मैं इसको अपने फेस पे भी एक बार अप्लाई करके देख लेते कि भाई क्या वर्क करेगा ये, बट ऐसा तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इसने वर्क नहीं किया है। बट हाँ, ये चेहरे पे लगाने के बाद थोड़ा सा गीला गीला है, उसके बाद ये सूख जाता है। इसके बाद ये लैक्मे की सीसी क्रीम है 925 और ये भी 50 रुपये में मिल जाएगी। काफ़ी फाउंडेशन भी आपको 50 रुपये में आराम से मिल जाएंगे, हाईली ब्रांडेड कंपनीज के होते हैं, जो ड्यूप होते हैं, फेक भी होते हैं। इसके बाद यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ स्पंजेस, ये भी 50 रुपये का पैकेट है। इसमें काफ़ी ज़्यादा पाउडर ब्रशेज भी है और एक ब्यूटी ब्लेंडर भी मिल जाता है। ये डैम करके मैंने यूज़ किया है, इसको टैप टैप करके मैं अच्छे तरीके से अपने चेहरे पर स्प्रेड कर रही हूँ। तो वैसे तो ये थोड़ा बहुत प्रोडक्ट खा रहा है ब्यूटी ब्लेंडर, आप देख सकते हो, पर ठीक है, वह काफ़ी ठीक कर रहा है 50 रुपीज़ के अकॉर्डिंग। अगर आप कोई हायर ब्रांड का लेने जाओगे तो ये आपको 200-250 रुपये से कम का नहीं मिलेगा, बट वैसे ओवरऑल मुझे ठीक लगा। इसके बाद यहाँ पे मैंने कंसीलर देखे थे तो वहाँ कंसीलर नहीं थे और बहुत ही वाइट टाइप के कंसीलर थे जो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे, तो इसलिए मैं अपना ही कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, स्विस ब्यूटी का है ये। तो उसको भी मैंने इस ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से स्प्रेड कर लिया। उसके बाद ये कॉम्पैक्ट है पर सोने का, ये भी 50 रुपये में मिल जाता है और ये भी काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा था, तो इसे मैंने कॉम्पैक्ट को यूज़ कर लिया है। इसके बाद है स्विस ब्यूटी की ये आईब्रो पेंसिल, ये 30 रुपये में मुझे मिली थी सोनेगर से, और इसकी हेल्प से पहले मैं शेप कर लूँगी अपने आईब्रोज को, फिल कर लूँगी। और इसी के अंदर एक आपको कॉम मिल जाता है जिसे आप अपने आईब्रोज को कॉम कर सकते हो, अगर एक्स्ट्रा प्रोडक्ट लगा है तो वो रिमूव हो जाता है। उसके बाद है ये लैरी रोडा का ब्लशर और ये 100 रुपीज़ में मुझे मिल गया था। काफ़ी अच्छा पिगमेंटेड ब्लश है ये और आप देख सकते हो, और ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था तो मैंने ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको थोड़ा सा रिमूव कर लिया। बहुत पिगमेंटेड है गाइस, रिकमेंडेड है मेरी तरफ से तो। और उसके बाद ये लिप लाइनर कंटूरिंग में मुझे कुछ भी नहीं मिला, तो मैंने इसी लिप लाइनर को एज अ कंटूर भी यूज़ कर रही हूँ। मुझे हल्की हल्की कंटूरिंग करनी है, मुझे ज़्यादा नहीं करनी थी वैसे भी, तो उसी ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैंने इसे टैप टैप करके अपने कंटूरिंग कर ली है। इसके बाद ये आती है 50 रुपीज़ का आई शेडो पैलेट, और ये मैंने जो लिया था स्टार्टिंग में लिया था, और 50 की रेंज में कोई मुझे वैसे तो मिलता नहीं है, 100 से अपर भी मिलता है आई शेडो पैलेट, तो ये मैंने पहले यहीं से ख़रीदा था और ये बहुत अच्छा पैलेट है। और यहाँ पर तो ब्लू शेड मैंने अप्लाई करा एज अ ट्रांजेक्शन, उसके बाद ब्लैक में मेरे पास कोई आई शेडो नहीं था तो मैंने इसलिए काजल की हेल्प से, ये भी 200 रुपये में मिल गया था मार्केट से, तो उसकी हेल्प से मैं अपने इनर कॉर्नर जो होते हैं उन्हें फिल कर रही हूँ, आउटर कॉर्नर सॉरी, और इनको मैं थोड़ा सा ब्लेंड भी कर लूँगी ब्रश से। उसके बाद उसके बाद ये पिच कलर का शेड है, इसको मैंने को मैं फिल कर लूँगी, इसको भी मैं ब्लेंड कर लूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पर उसके बाद ये गोल्डन सा ब्यूटीफुल सा शेड है, इसे मैं इनर कॉर्नर में फिल कर लूँगी। लाइक इसकी हेल्प से मैं जो इनर कॉर्नर से लेके थोड़ा सा अपने आईलेट पे लगाऊँगी, मतलब मिडल तक ही लगाऊँगी, जिससे थोड़ा सा लुक अच्छा नज़र आएगा आई का। गोल्डन आई शेडो नहीं था उसमें तो इसीलिए काफ़ी अच्छा लगेगा, थोड़ा सा ये सूख जाएगा। उसके बाद ये ब्लू लाइनर है गाइस, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल कलर है, और जो इसका ब्रश है वो भी बड़ा प्रसाइज है, मतलब आप काफ़ी अच्छा लाइनर इसे ड्रॉ कर सकते हो। और इसकी हेल्प से मैं कोई विंग लाइनर नहीं क्रिएट कर रही हूँ, नॉर्मल सा ही अपना लाइनर लगा रही हूँ। उसके बाद ये मुझे मिला था क्लैम हाइलाइटर, ये मुझे 150 रुपये में मिल गया था, और ये बहुत ही अच्छा हाइलाइटर है, मतलब ये मैंने लेके कोई पछतावा ही रिग्रेट नहीं करती, मैं बहुत ही ब्यूटीफुल है, और ये मैंने ऑफ कैमरा ही लगाया था, रिकॉर्ड नहीं हो पाया। और उसके बाद ये लिपस्टिक की काफ़ी ज़्यादा मेरे पास वैराइटीज़ हैं, तो ये 4 में से मैं दिखा रही हूँ आपको। फिर मैंने इसमें से एक ऑरेंजेस रेड कलर है जो मेरी ड्रेस से मिलता हुआ, तो उसे मैंने यूज़ किया है हुडा ब्यूटी में,
तो फेक लिपस्टिक ज़रूर होती हैं बट ये काफ़ी ब्यूटीफुल शेड्स में होती हैं। सो गाइज, मैंने मश्कारा नहीं लिया था क्योंकि वो वाटरप्रूफ नहीं होता है, इस वजह से मैं अपना ही ब्लू हेवन का मश्कारा यूज़ कर रही हूँ। क्लोसल का काजल मिल जाएगा, वाओ, 50 रुपीज़ में, बट ये काम भी ठीक कर रहा था। एक स्ट्रोक में काफ़ी अच्छा ब्लैक लाइन क्रिएट करती थी और एक ब्रश की हेल्प से इसको मैंने स्मज कर दिया था तो काफ़ी अच्छा ये स्मज हो गया था, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और उसी पैलेट में से मैं एक ऑरेंज सा पिच कलर का शेड लेके अपने लोअर लैश लाइन पे स्मज कर लूँगी। एक पैलेट मैंने ये भी 50 रुपीज़ पे ख़रीदा था बहुत पहले, तो इसके अंदर भी कंटेनर के शेड्स हैं। ये प्लग आपका कर्लर है, आप इसको कर्ल कर सकते हो अपने आई लैशेज़। और ये 50 रुपीज़ में आई लैश मैंने लिए थे तो ये भी मैंने ऑफ कैमरा लगा लिए हैं। ये बात ही 5 रुपये में बिंदी का पत्ता है जो मैंने बिंदी भी लगा ली है। और ये 50 रुपीज़ के ही इयर रिंग्स हैं, ये भी एसेंस से लिए थे मैंने, बहुत ही प्यारे हैं, बहुत लाइट वेट हैं। 50 रुपीज़ में ही मैंने ये गले का सेट भी लिया था और ये भी बहुत ब्यूटीफुल है। और ये है मेरा फाइनल लुक गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर देना, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना और ऐसे ही मेरी वीडियोस को लाइक करते रहिए, पसंद करते रहिए। मैं आगे आपको और भी वीडियोस अच्छी देती रहूँगी। थैंक यू, बाय, लव यू ऑल।